नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल झिनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज गुप्ता। क्या आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपका व्हाट्सएप हो गया है हैक? तो उठा लीजिए अपना नोटबुक और राइट डाउन कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें मैं बताने वाला हूँ आपकी व्हाट्सएप सिक्योरिटी के लिए, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सेटिंग्स को सेट करना होगा। फिर सेकंड नंबर, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना होगा। थर्ड नंबर, आपको वेब स्कैनिंग से बचना होगा। और फोर्थ नंबर, आपको हॉक्स, व्हाट्सएप मेल्स और ईमेल से बचना होगा, जिससे कि आपके व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आपकी पर्सनल डिटेल चुराई ना जा सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू, हैंग ऑन हो जाइए हमारे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारी होम स्क्रीन पे कि सबसे पहले हमें अपने व्हाट्सएप जो है ऐप है उसे ओपन करना होगा। और उसके बाद हमें ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें अपने होम के सेटिंग्स में जाना होगा। और सेटिंग्स में जाने के बाद हमको कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं, अकाउंट, चैट्स, नोटिफिकेशंस, डेटा स्टोरेज यूजेस, हेल्प और इनवाइट अ फ्रेंड। हमें पहले अपने अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग पे क्लिक करना होगा, जहां पे हमें प्राइवेसी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सेटिंग्स को हमें ऑन करके रखना है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे मोबाइल की सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं है। सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट लॉक जो ऑप्शन है उसे इनेबल कर लेना चाहिए। इसके करने से होगा क्या कि आपके कंप्यूटर पे आप अपने व्हाट्सएप को अगर खोलते भी हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आएगा। तो ये रहा पहला ऑप्शन कि आप अपना फिंगरप्रिंट लॉक ऑन कर लीजिए। फिर सिक्योरिटी में हम अगर जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा कि जब कभी भी आपके मोबाइल से व्हाट्सएप का यूज करके एंड टू एंड एनक्रिप्शन के बिना व्हाट्सएप का थर्ड पार्टी यूज करे तो आपको मैसेज आए, तो इसे ऑन कर लेना है। फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन देख रहे होंगे दोस्तों आप, इसी टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। इनेबल करने के बाद आपसे ये एक 6 डिजिट का कोई पिन मांगेगा जिसे आपको फिल कर देना है, जैसा कि मैं अभी फिलहाल कर देता हूं। और फिर वो आपसे एक पिन मांगेगा और फिर आपसे एक ईमेल आईडी मांगेगा, जिसे भरने के बाद आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा व्हाट्सएप सिक्योरिटी के कुछ ऐसे तरीके जिनसे हम अपने व्हाट्सएप को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों ये गलती जो दोस्तों हमें नहीं करनी है ताकि हमारा व्हाट्सएप ना हैक हो, वो होता है कि आप लोग आजकल अक्सर अपने कंप्यूटर पे इस तरह से व्हाट्सएप वेब के एप्लीकेशन का यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए मेरे पास अभी एक ब्राउजर खुला और आप इस पे चाहें तो अपने गूगल के सर्च इंजन पे जा करके आप लिख सकते हैं वेब व्हाट्सएप। जैसे ही आप वेब व्हाट्सएप लिखते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का एक पोर्टल खुल जाता है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो वेबसाइट मिल रही है वो आपको हूबहू वे सारे फीचर्स अवेलेबल करा देती है कंप्यूटर पे, जो जो फीचर आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हो। चाहे वो फीचर हो आपका अटैचमेंट्स भेजने का डॉक्यूमेंट के तौर पे PDF, MS Word के डॉक फाइल्स, XLS फाइल्स, कुछ भी, या फिर चाहे वो आपका फोटो भेजना हो, या फिर चाहे वो आपका हो, कुछ भी वो हो सकता है आपका, आप उससे भेज सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले ले तो PDF और फोटोज के अलावा हम उनसे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं और भी बहुत तरह की चीजें मतलब हो सकती हैं जो हम उनसे भेजते हैं, तो उसको पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। तो इस एक गलती आप लोग ये करते हैं दोस्तों कि आप लोग ये जो वेब स्कैनिंग करते हो अपने मोबाइल से तो आपका व्हाट्सएप खुल तो जाता है, लेकिन जैसे ही आप इस व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने ब्राउजर को वैसे ही काट देते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। यहां अगर आप इस ब्राउजर को काट देते हो तो आपके वेब ब्राउजर में लॉगिन हुआ अकाउंट वैसे ही खुला रहेगा, क्योंकि अक्सर जब वेबसाइट खुलती है तो आप ध्यान नहीं देते हैं कीप मी साइंड इन, यहां आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन लगा होता, उसे होगा क्या कि जब कभी भी अगली बार आप व्हाट्सएप वेब खोलेंगे तो वो खुला रहेगा। और अगली चीज होती है कि आपके ईमेल्स वगैरह पे जब हॉक्स मेल आते हैं या फिर आपके व्हाट्सएप पे ही एक अननोन मेल आ जाए तो उन सबको खोलने से और किन्हीं लिंक्स पे क्लिक करने से बचा जाए। दोस्तों ये कुछ ऐसे बेसिक तरीके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो टेक्निकली एडवांस से एडवांस और सिंपल जानकारी रखने वाले लोगों को भी अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो व्हाट्सएप वेब की या फिर हॉक्स मेल्स की या फिर किसी तरह की हैकिंग से अपने आप को बचा सके।
ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं आपके वेब व्हाट्सएप को बचाने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।